डेरा माता पंजाब कौर जी नंगल अंबिया नेड़े शाहकोट जिला जलंधर विखे सलाना धार्मिक मेला अते दीवान मिति 4 अते 5 मई 2014 दिन एतवार अते सोमवार नू मुख सेवादार महंत चेतन दास जी दी देख रेख हेठ समूह इलाका निवासियां दे सहयोग नाल मनाया जा रहा है। इस मौके ते महान विद्वान रागी टाडी क्विशरी जथे आईया संगता नू निहाल करनगे। 5 मई नू शाम 5 बजे कुश्तियां अते बलदां दीआं दौड़ां भी करवाईआं जाणगीआं। समूह संगता नू इस मेले विच पहुंचण दा हार्दिक सद्दा दित्ता जांदा है। धार्मिक विचारां दे धारनी माता सत्या देवी जिन्हां दे चंगे संस्कारां सदका उन्हां दे सपुत्र श्री हरीश बंसल अते विनोद कुमार बंसल समाज विच अपनी एक वक्री पहचान अते बेमिसाल पहचान रखदे हन। पिछले दिनी उन्हां दी माता सत्या देवी पत्नी श्री कुलवंत राय बंसल दी निघी अते प्यारी यार नूं समर्पित एक धार्मिक समागम करवाया गया जिस विच कई उस शख्सियतां हाजिर सन। इस मौके दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूरमहल साध्वी तृप्ता भारती अते उना दे साथियां वल्लों भजना दा गुणगान कीता गया। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। जिन्होंने बड़ी से बड़ी पत्नियों को प्राप्त किया, बहुत सारा
धन एकत्रित किया, लेकिन जब संसार से रुखसत हुए तो खाली हाथ ही मिले। सिकंदर जैसा बादशाह सलामत इस संसार के ऊपर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो सभी लोग उसके नाम से थर थर कांपते थे, सभी लोग उसके अधीन थे। लेकिन एक दिन जब वह मृत्यु का त्रास बना तो वह भी खाली हाथ संसार से गायब गया। इसीलिए किसी की शरण में जाकर के हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारी सोच का कि हम संतों को मात्र पहरावा समझते हैं, वेशभूषा समझते हैं। हम सोचते हैं जिसने ये भव्य वस्त्र पहन लिए वही संत है, लेकिन भक्तजनों संत की परिभाषा तो ये है कि जो स्वयं देखते हैं और हमें दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं केवल वही संत होते हैं। आप एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जब वे स्कूल में जाते हैं तो उसे टीचर मिलती है और टीचर उसे भौतिक शिक्षा देती है। ठीक इसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक जगत का सफर करते हमारे अंदर ईश्वर का दर्शन कर पाता है। जो ब्रह्मांड में सोए फिरते, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, इस खट में है, लेकिन उसे दिखाने का सामर्थ्य केवल ऐसे दृश्य जो आप बाहर देखते हैं उससे भी सुंदर दृश्य हमारे भीतर है, लेकिन वो देखे कैसे जाएंगे जब एक पूर्ण सदगुरु की शरणागति होगी, जब एक संत हमारे जीवन में आएगा और हम उनसे दीक्षा को प्राप्त करेंगे तो अपने घट में हम पर। लेकिन बहुत से लोग संत के नाम पर धोखा खा लेते हैं, वे केवल लिबास को देख करके संत की शरण में चले जाते हैं और उनसे दीक्षा लेकर के केवल हम प्रमाण जपते रहते हैं और ईश्वर से कभी मिल नहीं पाते। जबकि हमारे महापुरुष कहते हैं कि संत लिबास नहीं, संत की शरण में जाओगे तो वह परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करवाएगा। कहा एक पूर्ण संत की परिभाषा है कि उसे जैसा पहनने के लिए दिया जाए वो पहन ले चुपचाप, उसको जितना खाने के लिए दिया जाए वो खा ले। खास करके कहने लगे, अरे भाई तुम तो एक भिखारी की परिभाषा भी बता रहे। ही सोचो कि एक भिक्षु एक भिखारी जब हमारे द्वार पर आता है हम जो उसे खाने के लिए देते हैं वो आंतरिक दौलत अलौकिक दौलत हमें देता है। इसलिए संत की परिभाषा है कि जब संत हमारे जीवन में आएगा तो वे प्रभु भक्ति की दौलत हमें देगा, क्योंकि धन को हमारे जीवन में लुटष्ट मिट जाएंगे। आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगी, देखिए आप सभी जीवन जी रहे हैं और इस जीवन में बहुत से पड़ाव आते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी हर्ष कभी शोक, इस प्रकार की विभिन्न परिस्थितियां रहती हैं। आप सभी अपने अंदर मंथन करके बताइए, क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब आप स्ट्रेस अनुभव करते हो, करते हैं ना? जब दबाव अनुभव करते हैं अपने मस्तिष्क के ऊपर, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस में हो कि मैं इस उलझन से कैसे निकलूं, इस परेशानी से कैसे निकलूं? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में स्ट्रेस ना हो। यहां तक कि एक छोटा सा बच्चा, एक छोटे से बच्चे को देखिए जो अभी पढ़ रहा है स्टडी कर रहा है, तो बच्चे से भी पूछिए कि बेटे क्या तुम उस स्ट्रेस को लाइफ जी रहे हो या उससे मुक्त हो? तो वो भी कहेगा मुझे स्ट्रेस है। लेकिन इसका स्ट्रेस है अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का, मम्मी पापा का प्रेशर है, टीचर का प्रेशर है, सभी का प्रेशर बना हुआ है कि अच्छे अंक आने चाहिए। एक छोटे से बच्चे के दिमाग पर भी स्ट्रेस है अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का, अच्छी पोजीशन प्राप्त करने का। उसके बाद थोड़े बड़े हो जाए, जवानी को प्राप्त किया, युवा अवस्था में पहुंचे तो प्रेशर रहता है अच्छी नौकरी प्राप्त करने का आ जाती है। और जब बुढ़ापे में हमारी जिंदगी पहुंचती है तब स्ट्रेस होता है इस चीज का कि मैंने कुछ भी अर्जित नहीं किया, मैं तो अपनी जिंदगी में असफल रहा, मेरे पास तो समय सारा गवा लिया, मैंने सारा समय मेरा छिन गया, अभी मेरे पास कुछ शेष नहीं बचा, फिर स्ट्रेस रहता है। ऐसे पंडित जाना आपका पहला या ऐसी ने क्यों पे उन्होंने मसरा बंदरा में जाना थी सीटा बुकरा जाने से नहीं पढ़ना ही
प्रभु के चरण चले गए ने। चलो जो कुछ उसको पाना है वो मनना ही है, जाना ही है कि ना, पर बंदा जो समय सिर चला जाए वो नहीं जागूंगा, जो फिर तक आ जाए वो जागूंगा है। जो कोई बंदा कोई चंगे काम करता है, चंगा परिवार होता है, उदो चले जाता, उदो दुख भी होता है, उसकी मदद भी बड़ी होती है, उसके भोग से भी जान भी कट होता है। चलो परमात्मा ने जो मंजूर ही होना है, मैं दो मिनट वास्ते उन्होंने बेनती करना कि सत्या देवी जी अंतर नाम के श्रद्धा के फुल पीट। अज असी सारे साढ़े पूजनीक माता सत्या देवी बंसल जी की अंतम शोक सभा विच इकट्ठे होए। मौत एक अटल सच्चाई है, जिसका जन्म है उसकी मौत अवश्य है। जो इंसान इस धरती से पैदा होता उसकी वापसी की तरीक नाल ही लिखी जाती है, पर सानू किसी नूं इस गल का ज्ञान नहीं है। जो इंसान की आयु है, उम्र है, वो सालों नाल नहीं, वो श्वासों नाल, जिन्हें भी श्वास सतगुरु जी महाराज सानू दे के इस धरती से भेजता, जो पूरे हो जाते हैं अपने चरणों में वापस बुला लेता। सत्कारयोग संगत जी, दुनिया के सब तो उच्चा ते सुच्चा तीर्थ स्थान माता पिता की सेवा। जिस इंसान ने अपने माता पिता की सेवा रज के कर ली, दुनिया के किसी किस्म का भी तकलीफ दुख तकलीफ नहीं आ सकता। वो परिवार दिन दुगनी रात चौकनी हमेशा तरक्की करते हैं। जिन्हों परिवार माता पिता का सत्कार नहीं है, वो परिवार हमेशा ही डोलते फिरते रहते हैं, उन्होंने शांति नहीं मिलती। बाबा चंदा जी गौशाला कमेटी तपा गीता भावना कमेटी तपा हैप्पी क्लब रजिस्टर्ड तपा पंजाब अग्रवाल सम्मेलन तपा रामबाग कमेटी तपा व्यापार मंडल तपा सहारा क्लब तपा बाबा इंद्रनाथ गौशाला कमेटी रजिस्टर्ड तपा आरती योजना तपा हैप्पी चैरिटेबल ट्रस्ट तपा अग्रवाल सभा तपा इन्होंने साढ़े को शोक देश आए ने। साढ़े को कुछ साथी दूरों ग्रेडियो भी आए ने, पर मैं बारह नौ तक जो मैं जानता मैं बारह के नौ नहीं बोल सकता। साढ़े को सूरज भान जी जेडे साढ़े हल्के एम एल ए मोहम्मद सजीद ने, उन्होंने जवाई भी हाजिर दवा के इतने गए ने। उस तो बाद साढ़े लोग सभा हलका संगरूर से ढीठ साहब उन्हों की लड़की भी हाजिरी दवा के गई है। साढ़े सुनील कुमार बिट्टा जी सबका प्रधान नगर कौंसल रामपुरा वो भी इतने पहुंचे हुए ने। हैप्पी प्रधान सबका प्रधान नगर कौंसल तपा रामपुरा वो भी इतने पहुंचे ने। साढ़े मार्ग कमेटी के सबका चेयरमैन गुरजंट धालिया दराज जी वो भी इतने पहुंचे ने। साढ़े नगर कौंसल के प्रधान सबका वो भी इतने पहुंचे हुए ने। दूर दूर तो पिंडा तो इतने बहुत लोग पहुंचे ने, पंचायतें भी आईया ने। मैनों किले किले मैं नौ बोलना नौ तकीर काफ़ी ने, क्योंकि मक्खन इतने कपड़े का कारोबार करता है, वो हरेक पिंड के हरेक बंद या शहर के जान पछाण है। Yeah.
डेरा माता पंजाब कौर जी नंगल अंबियां नेड़े शाहकोट जिला जलंधर विखे सालाना धार्मिक मेला अते दीवान मिति 4 अते 5 मई 2014 दिन एतवार अते सोमवार नू मुख सेवादार महंत चेतन दास जी दी देख रेख हेठ समूह इलाका निवासियां दे सहयोग नाल मनाया जा रहा है। इस मौके ते महान विद्वान रगी टाडी क्वेश्री जथे आईया संगता नू निहाल करनगे। 5 मई नू शाम 5 बजे कुश्तियां अते बलदां दीआं दौड़ां भी करवाईआं जाणगीआं। समूह संगता नू इस मेले विच पहुंचण दा हार्दिक सद्दा दित्ता जांदा है।